गुड मॉर्निंग गाइस। तो नवनिया स्कूल जा रहे हैं। नई सुबह बट सेम रूटीन। स्कूल तो जाना ही है। सुबह मैंने अपने स्कूल गए, फिर आए, फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अभी जा रहे हैं डांस क्लास, मैं भी जा रही हूँ साथ में। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो कल थी विजयादशमी, तो कल फिर हमने कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और आज भी सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। बस जब नवनिया स्कूल जा रहे थे तो बस उसी टाइम के थोड़े से क्लिप्स थे। बस ऐसा नहीं है कि आराम कर रही थी, आराम नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत काम इन 9 दिनों का ऐसे बचा हुआ था। पूजा की चीज़ें जगह पे रखनी थी और भी कपड़े वगैरह सब फोल्ड करके रखने थे, बहुत सारा काम था। तो वो सब मैंने सोचा कैमरे के सामने नहीं करना था, वो सब काम जितना हो पाया उतना किया है। मन नहीं कर रहा था ऐसा कुछ ब्लॉगिंग का, तो अभी निकल रहा डांस क्लास के लिए, तो शुरू कर रहे हैं यहाँ से ब्लॉग, है ना। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो विजयादशमी भी समाप्त हो गई है और हम लोग अभी नवनिया के डांस क्लास जा रहे हैं नवनिया को छोड़ने के लिए। अब दीपावली की तैयारी शुरू। हाँ, अब धीरे धीरे दीपावली की तैयारी शुरू होगी और कह सकते हैं तीन बर्थडे जो है। तीन बर्थडे किसका? नव का, निया का। दोनों का एक साथ है। नव का तो तीन बर्थडे, एक वेडिंग एनिवर्सरी। अरे तो सारे सेलिब्रेट करने हैं धूम धड़क्के से, नहीं तो कम से कम अच्छे से सेलिब्रेट करने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं लाइन अप। अक्टूबर आ चुका है, नवंबर इज आल्सो ऑन द वे। और आगे के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं लाइन अप, तो देखते हैं क्या क्या होता है, है ना। एग्जैक्टली, आगे के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं लाइन अप। यस बेटा, वी विल बाय, बट फर्स्ट वी विल पार्क द कार एंड वी विल गो टू द डांस क्लास। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे आगे डांस क्लास। किसी ने पूछा था डांस क्लास के बारे में, तो ये है डांस क्लास, गूगल पे सर्च कर सकते हो। ये नवनिया को हम लोग यहाँ छोड़ के भी नीचे जा रहे हैं। नवनिया को डांस क्लास में छोड़ के हम आगे मीना बाजार ऐसे पैदल घूमते घूमते, क्योंकि एनिमेश ने बोला मैं गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा, बहुत ट्रैफिक है, तो पैदल चलते चलते हम आए हैं। देखिए कहाँ जाते हैं। मीना बाजार में ऐसे बहुत ट्रैफिक रहती है। हाँ, इसीलिए इन्होंने बोला कि नहीं जाऊंगा, मुझे तो ऐसे ट्रैफिक दिख नहीं रही है, झूठ बोला इन्होंने। आप अपने व्यूअर से पूछ सकते हो कि मीना बाजार में शाम के टाइम में कितनी ट्रैफिक रहती है। सिर्फ गाड़ी लेके आने की बात नहीं, बाहर भी निकलना और टाइम पे निकलना। ओके, तो हम जा रहे हैं इस दुकान में दीपावली के लिए कुछ देखने। लाइट्स वगैरह सब मिल रहे हैं दीपावली के लिए, कितनी रौनक लगी हुई है मार्केट में। डांस हो गया, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। Hey,
तो नवनिया को भूख लग गई है, नवनिया को कुछ खाना था, है ना। दोनों डांस करके थक गए हैं, तो इन्होंने बोला कुछ पीना है, कुछ खाना है। तो आज नवनिया को टीचर ने क्या दिया है, टॉफी मिली है। अच्छे से डांस किया इसलिए, अच्छे से डांस किया इसलिए मिली है। लुंगी डांस करके बताओ। करके दिखाओ। डांस तो करो, तुम तो गाना गा रहे हो, डांस करो। तुम भी करो। भूख लग गई थी। क्या खाना है, क्या खाना है? चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स मुझे बहुत पसंद है। ओके, ये हमारा चिकन टिक्का पराठा और नवनिया के लिए फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स। चिकन आज हम कितने दिनों के बाद खा रहे हैं, बहुत दिन हो गए ना। और साथ में मैंने मंगाया है लेमन मिंट। यहाँ पे ज्यादा आवाज नहीं कर सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, तो यहाँ पे तो इसीलिए हम लोग कुछ प्लान भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ऐसी पार्टी वार्टी, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन भी दीपावली का नहीं होता है, कुछ नहीं है, एक गेट टुगेदर भी नहीं होता है। देखिए आगे हम लोग घर वापस गए थे, कब आए हैं अभी, और जो मैंने अभी आपको नोटिस दिखाया तो वो ईमेल भी आया है हमें, और नोटिस भी आया है, मतलब नोटिस भी लगा हुआ है लिफ्ट में। तो यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे आप, मैंने पहले भी बहुत बार बताया वीडियो में, बच्चे अगर थोड़ा जोर से भी बोलते हैं, कॉरिडोर में खेलते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो नेबर्स है वो कंप्लेन कर देते हैं, मतलब मैं इस फ्लोर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी तो फ्लोर से गया ही होगा मैनेजमेंट के पास कंप्लेन, तभी तो ऐसा नोटिस लगा है और ईमेल आया है। तो नवनिया तो बहुत कम ही जाके ऐसे बाहर में हल्ला करते हैं, खेलते हैं। बाकी कुछ बच्चे हैं जो दूसरे फ्लोर पे करते हैं थोड़ा आवाज, बच्चे हैं तो उनको कितना रोक सकते हो, शाम में तो खेलेंगे ही ना। तो यहाँ पे वही है कि एकदम नोटिस आ जाता है, ईमेल आ जाता है। पुराने बिल्डिंग में था ना कि बच्चे खेलते रहते थे, मतलब कोई किसी को कुछ बोलता नहीं था, ऐसा नोटिस वगैरह भी मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पे इतनी सिस्टमैटिक है चीजें, पूरा ईमेल आता है ये वो, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कभी ईमेल वगैरह कुछ नहीं आता था। और यहाँ पे पूरा सब कुछ सिस्टमैटिक है, पूरा मैनेजमेंट है तो अलग ही है। यहाँ पे ऐसे दीपावली पार्टी ये वो गेट टुगेदर ये सब कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए कन्या पूजन में भी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब यहाँ पे ऐसे मिले ही नहीं बच्चे, इसीलिए मुझे दूसरी बिल्डिंग में जाके कन्या पूजन करनी पड़ी थी। दीपावली में हर बिल्डिंग में एक बिल्डिंग की पार्टी होती है, यहाँ पे मैंने पूछा भी, अभी तक तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं आगे उसका कुछ प्लान करते हैं कि नहीं मालूम नहीं है। तो खैर दीपावली के लिए मैं नवनिया को छोड़ के मैं चली गई थी वो दीपावली का देखने मीना बाजार में जिस शॉप पे, तो इतना वहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव चीजें मिल रही थी, बहुत ज्यादा, मतलब जरूर ज्यादा ही प्राइस था। जो लाइट्स मैं उस दिन 20 दिरहम की लेके आई डे टू डे से, वो वहाँ पे जो लाइट्स की दुकान थी मीना बाजार में, वो सेम कितने का था, 35 ना, 35 दिरहम की सेम लाइट्स, बहुत महंगे महंगे थी। जो एग्जीबिशन से मैं 5 दिरहम का वो दिया लेके आई थी, वो वहाँ पे 35 का दो, ऐसे तो बहुत महंगा था। फिर हम लोग मधुर में चले गए, तो मधुर में भी चीजें महंगी ही थी थोड़ी, मतलब उस तरह से देखिए तो आप, एग्जीबिशन में मुझे थोड़ा प्राइस लगा था ज्यादा, बट उससे ज्यादा मुझे अभी यहाँ लग रहा है। खैर अभी टाइम है फेस्टिवल का, तो दाम भी लोग ज्यादा रखेंगे, बट मधुर में कुछ कुछ चीजों का दाम बहुत ज्यादा लग रहा था, कुछ कुछ चीजों का ठीक ही था, जैसा मिलता है यहाँ उसी प्राइस में था। तो मैंने कुछ चीजें ली है मधुर से, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा था, इतना टाइम नहीं था। इसके डांस क्लास से हम लोग चल के गए थे मीना बाजार, तो फिर हमें वापस चल के भी जाना था इसके डांस क्लास तक, तब तक एक ही घंटा का टाइम था, बीच में एक घंटे का क्लास होता है, तो जल्दी जाना था, इसीलिए आज टाइम नहीं मिला इतना देखने का, क्योंकि हम लोग दो शॉप और गए थे, इसीलिए वहां से कुछ लिया नहीं, फिर मधुर में इतना टाइम नहीं दे पाए। तो अभी दूसरे दिन फिर डांस क्लास लेके जाएंगे, तो हम लोग घूमते घूमते चले जाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ, ये सब तो खैर मखानी वगैरह खाने पीने का सामान। हाँ ये लिया है, ये जो लगाते हैं ना बल्ब पे, वो तो बल्ब पे तो नहीं लगाऊंगी, यहाँ डेकोरेशन के लिए ही लिया है। तो ये दो ऐसे फ्लोट करने वाले कैंडल्स, ये 4 दिरहम की एक है, ऐसे ऐसे 6 लिए, तो ये 3 है, 3 ऐसे ही सेम।
और तो वही खाने पीने का सामान है बच्चों के लिए, तो ये है और ये मुझे अच्छा लग रहा था। एक मेरे पास उल्ली है, मैं इंडिया से लेके आई थी पिछली बार, और ये तीन के सेट का है, ये मुझे ठीक लगा तो मैंने ले लिया। ये है, ये 85 दिरहम्स की मिली, मुझे ठीक से याद नहीं है, हाँ शायद 85 की थी। एक ये सबसे छोटा, दूसरा, ये एक्चुअली 80 का, 85 का नहीं, 80 का है। और ये तो ये तीन का सेट ये लिया। मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी फ्लोर रंगोली, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के मैट टाइप के बने होते हैं रंगोली के, वो खोज रही थी, क्योंकि यहाँ पे वो कलर से रंगोली बनाना बाहर में शायद वो भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि डेली सुबह में यहाँ पे साफ करते हैं वो पोछा वगैरह लगता है, तो शायद अगर मैं वो कलर्स लगा दूँ तो शायद वो भी शायद अलाउड नहीं हो। तो किसी चीज में रख के मैं बना सकती हूँ रंगोली, लाइक अगर कोई वुडन का कुछ ऐसा बड़ा सा हो उस पे, या किसी प्लेट में, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके उसके अंदर बनाऊंगी, ताकि मैं उसको नेक्स्ट डे अंदर कर सकूं, पूरा गंदा बाहर का नहीं हो तो शायद चलेगा। तो मैं उसी टाइप का कुछ सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ लेके आऊं जिसके अंदर बना सकूं रंगोली, या अगर फ्लावर से भी कुछ बनाती हूँ ऐसा कुछ करूँ कि ताकि वो मैं क्लीन कर दूं अगली सुबह, मतलब इतना कुछ बिखर नहीं जाए पूरा, तो वही सोच रही, तो मैं वही ढूंढने गई थी। मुझे उस वाले शॉप में मिली भी मीना बाजार में, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इतने छोटे छोटे वाले फ्लोर वाले रंगोली 120-130 ऐसे दे रहे थे। और मधुर में जो मुझे मिला वो मुझे पसंद नहीं आया, वो भी 50 का था, एक सिंगल इतना छोटा, मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं खुद ही कुछ दिमाग लगा के देखती हूँ, कुछ सोचती हूँ कुछ, बाकी लाइट से भी देख नहीं लिया, बाकी सब कुछ हो गया जितना है उसी से डेकोरेशन करूंगी, कुछ तो दिमाग में है कि इस तरह से सजाऊंगी, इस तरह से करूंगी, तो सब जब करूंगी तो आपके साथ शेयर तो करूंगी। अभी आदत छूट गई खाने की, तो एक रोल खा लिया और चिकन वाली, पेट लग रहा पूरा फुल हो गया, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सब्जी है, मैं बस अभी राइस बना देती हूँ, तब भी राइस और सब्जी खा लेंगे, अनिवेश भी नहीं खाएंगे, वो फ्रूट्स खा लेंगे, रोल उन्होंने भी खाया मैंने भी खाया, पेट भर गया, और आज खूब चले हैं, खूब चले, अच्छा लग रहा है चल के। और सबसे अच्छी बात जो ड्रेसेस मुझे नहीं आती थी वो आने लगी, अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ, मिलती है आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।